सब उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपके गाँव से हम भी ठीक हैं। तो आज बहुत इन शॉर्ट में सब्जी बना रही हूँ, वो है तोरी की सब्जी। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको चॉप करके रखा है। इसका जो ये वाला हिस्सा है ये मैंने चाकू से पूरा निकाल दिया है, पिलर से मैंने पिंडी किया इसको चाकू से काटा है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्याज दी है, एक बड़ी साइज की प्याज है, बस उसको मैंने ले लिया यहाँ पर। और मैं इसमें डालूंगी टोमेटोज। तो बहुत सिंपल वे में ये सब्जी बनके तैयार होती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए थोड़ा वीडियो। सब्जी खाने में मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन तभी कुछ ना कुछ उसको डिफरेंट टच देके वो बना लेते हैं। प्याज को हमने पूरी तरीके से लाल नहीं करना है, बस हल्की से सॉफ्ट हो जाएगी तब हम उसमें टमाटो जो है वो बिल्कुल सादा सी सब्जी को थोड़ा सा ऑथेंटिक टेस्ट देने के लिए हम इसमें क्या क्या ऐड करते हैं देखते हैं आप। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे ताकि हमारी टोमेटोज और प्याज जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मैं पूरा नमक इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो तेल इसमें आप अपने हिसाब से रखें जैसे आपको चाहिए। मुझे तो चटपटी सब्जी बनाने के लिए ज़्यादा तेल चाहिए होता है, लेकिन मैंने इस बार थोड़ा सा कम तेल डाला है। तो फ्रेंड्स ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो हमने घर पे ही बनाया था। ठीक है, ऐसे जो बना के रखते हैं ना, तो हमें कुछ भी झटपट से हमें कुछ भी अगर बनाना हो, इनफैक्ट अगर कभी हमें लेट नाइट को भूख लग जाती है तो कुछ भी अगर चीज़ बनानी हो तो इससे क्या होता है कि जल्दी से बन जाती है। अब मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको तब तक अच्छे से भूनेंगे जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो थोड़ा सा कच्चापन नहीं छोड़ देगा। फिर इसमें हम अपने सारे मसाले जो है वो ऐड करेंगे। टीस्पून गरम मसाला, इसमें हम ऐड करेंगे चिली पाउडर। ये थोड़ी तीखी वाली चिली पाउडर है, ये मैंने डाला थोड़ा सा। अब मैं थोड़ी सी डालूंगी इसके अंदर लाल वाली जो कलर देती है कश्मीरी लाल मिर्च। और अब मैं डालूंगी इसमें सॉल्ट।
तो ये उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं और जो अकेले रहते हैं और उनको सब्जी का समझ में नहीं आता है, तो आलू टमाटर प्याज तो सभी बना लेते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई सब्जी उनके सामने आती है तो उनको एक डिफिकल्टी आती है कि इसको कैसे बनाएं। तो ये बहुत बेसिक है। अगर आपके पास अदर किसी का एक है तो मैंने अब इसमें हाफ टी स्पून जो है वो किचन किंग डाल दिया है। किचन किंग फ्रेंड्स यही होता है कि आप तो किसी भी मसाले में डालो तो थोड़ा सा एक अच्छा टेस्ट उसमें आ जाता है, इसीलिए इसको किचन किंग कहा गया है। तो ये देख लीजिए, ये कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या होता है कि तीखापन ज्यादा नहीं होता, लेकिन कलर सब्जी में अच्छा आ जाता है। इसमें डालो उसको। तो देखिए सारे ड्राई मसाले जो है इसमें मैंने डाल दिए हैं और मसाला भी अच्छा पक गया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी हमारी थोड़ी, कोई थोड़ी बोलता है, कोई तुराई बोलता है। फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ा सा चिली सॉरी टमाटो सॉस ऐड करूंगी। क्योंकि भाई अपनी डिश है, हम जैसे हमें अच्छा लगता है हम वैसे बनाएं। बस ये कि हमारा खाना टेस्टी होना चाहिए, पसंद आना चाहिए। तो अब इसमें मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। जो है बड़ा चम्मच टेबल स्पून मैंने इसमें टोमेटो सॉस जो है वो ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा लो कर देते हैं। और इसको हम ढककर छोड़ देते हैं। जब ये थोड़ा सा अपने इस मसाले में थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें पानी जो है वो ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं, देखिए हमने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया था, लेकिन सब्जी जो है उसमें से बहुत पानी रिलीज हो गया है। थोड़ी थोड़ी सी ये पकने लगी है, लेकिन अब मैं इसमें जो है पानी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मैंने पकाना है। तो फ्रेंड्स अब इस तरीके से भी आप सब्जी, अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो आप इस तरीके से भी सब्जी को जो है वो खा सकते हो, लेकिन ये मेरा जो है ये सब्जी का जो फाइनल स्टेज तो ये हो गया है। अगर आगे आपको इसमें तरी वगैरह कुछ नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी सब्जी जो है बिल्कुल परफेक्ट है खाने के लिए, लेकिन मुझे जो है थोड़ा सा तरी रखना है क्योंकि हम चावल के साथ खाने वाले हैं।
रोटी के साथ नहीं खाएंगे, तो मैं थोड़ा सा इसमें जो है पानी ऐड करूंगी, क्योंकि ये रात का डिनर बन रहा है तो हमें जो है वो लाइट चीज़ कुछ चाहिए, तो इसीलिए हम इस तरीके से बना रहे हैं कि राइस और इस तरीके से सब्जी जो है वो मोर देन इनफ है रात के डिनर के लिए। तो इसमें मैं जो है पानी ऐड कर रही हूँ, तो मैंने आधा ग्लास पानी जो है इसमें ऐड कर दिया है, और अब इसको जो है मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक इसका थोड़ा सा पानी जो है अब्सॉर्ब नहीं हो जाता और सब्जी जो है हमारी वो पूरी तरीके से गल नहीं जाती, तो मैं इसको फिर से फ्लेम मैंने उतनी स्लो रखी है और इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको 5 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, अब ये फाइनली जो है जितना हमें चाहिए ये उस तरीके का हो गया है, थोड़ा सा ग्रेवी और अच्छी तरीके से सब्जी भी जो है इसमें पक गई है। तो अब यहाँ पर जो है मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, और ऐसे ही जो बिगनर्स हैं, अगर आपके फ्रेंड्स अगर बिगनर हैं जिनको खाना बनाने का शौक तो है लेकिन बनाना नहीं आता, तो ये चीज़ें उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।